सरकार द्वारा जारी पत्र के बाद भी श्री क्षेत्र की पवित्रता के लिए रैली और आंदोलन लगातार जारी है। आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम शिष्य क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज ने भिंड में एक प्रेस वार्ता के दौरान श्री समेत शिखर को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित न किए जाने को लेकर सरकार द्वारा की जा रही कुचक्र राजनीति के बारे में बताया। अगर लोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर जो है धर्म क्षेत्रों के साथ में इसी तरह का खिलवाड़ करेगी तो आगे आने वाले समय में कोई भी मतदाता उसी पार्टी को वोट देगा जो धर्म क्षेत्रों की रक्षा करेगा, अन्यथा जो है उन्हें जो है चुनाव में बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा और ना ही वह शासन प्रशासन कर पाएंगे, क्योंकि क्षेत्र के साथ में खिलवाड़ कदापि भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, नहीं तो उन्हीं लोगों को वोट देगी जो धर्म क्षेत्रों की रक्षा का संकट। मुनिश्री ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि अगर सरकार हमारे धर्म तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करेगी तो ही हम उनको अपना वोट देंगे, अन्यथा उन्हें बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा। समाज की मांग केवल यही है कि उसे जो है अहिंसा पवित्र तीर्थ घोषित किया जाए और हमारे क्षेत्रों के साथ किसी भी तरह की राजनीति न की जाए। मुख्यतया तो जो है क्योंकि प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है लेकिन पास उस पर जो है केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, तो दोनों की मिलीभगत है, एक दूसरे के साथ में खिलवाड़ करके जो है हमारी भावनाओं का अर्थतंत्र को, केवल मुझे नहीं लगता है कि उन्हें अर्थतंत्र और वोट बैंक दोनों की राजनीति। साथ ही कहा कि वोट बैंक के लिए हो रही है समेत शिखर पर राजनीति, हर सत्ता पर लागू रहेगी जो खिलवाड़ करने की कोशिश करेगी, चाहे केंद्र की हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, या फिर जो है राज्य सरकार हो, माना जी चाहे अभी सरकार में हो या सरकार में नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये चेतावनी है कि वह भी ऐसा कदम उठाने का कभी प्रयास। साथ ही मुनिश्री ने कहा हम उन्हीं को वोट देंगे जो धर्म तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करेगी। साथ ही मुनिश्री ने 16 जनवरी को पूरे भिंड जिले को बंद रखने का आह्वान भी सकल जैन समाज से किया। 16 तारीख को जो है इसके लिए महारैली निकाली गई जिसमें संपूर्ण भिंड जिले को बंद रखा जाने का आह्वान किया गया है और साथ ही जो है उसमें संपूर्ण सात जाति और धर्म के लोग हजारों की संख्या में जो है उसमें सम्मिलित। जैन फोकस के लिए भिंड मध्य प्रदेश से सोनल जैन की रिपोर्ट।